सतनाम कर्ता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुरप्रसाद ज्ञान ध्यान किस कर्म न जान सार न जान सब देव का सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी सब देव का सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना नाहन निर्मल करनी साध संगत का अंचल लाओ लिखम नदी जाए तरनी से संयोग करो मेरे प्यारे जित रसना हर नामे उचारे कर कृपा मेरे दीन दयाल अपना नाम देह जप जीवां पूर्ण होए दास की कहाल अपना नाम देह जप जीवां पूर्ण होए दास सतनाम वाहे गुरु जी कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया दुत्तर इह संसार सतगुरु उतराया कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया दुत्तर इह संसार सतगुरु उतराया आवा गौण जां पूरा पाया हर हां अमृत हर का नाम सतगुर ते पाया मिटिया आवा गौण जां पूरा पाया ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ
पुनः वाणी जो पंचम पातशाह द्वारा जारी गई है, इसकी विचार चल रही है। हुण तक पंज सलोकां दी विचार सरण कीती है, कुल 23 सलोक इस बाणी दे हन। गल आपां सरण कर रहे सी कि एक सतसंगी सहेली अपनी दूसरी सहेली जो वो भी सतसंगी है उहदे नाल गल्लां कर रही है कि हे सखीए, मैं तां अपने अंदर बहुत वड्डी आस रखी हुई है। केड़ी आस रखी हुई है? कि मैनू मेरा वाहिगुरु प्यारा मिल जाए। दूसरी कहती है कि हे सखिए, आस रखनी चंगी है पर नाल ही सतगुरु जी की बख्शिश प्राप्त करनी भी बहुत जरूरी है। पहला तो समर्पण कर, अपना आपा समर्पण कर, तन मन धन सब सौंप, गुर का हुक्म मनिया। इस गल पहरा दे, अपना तन मन धन गुरु नूं सौंप दे। कदे भी ये ना कह कि तन मेरा है, ये तन मेरा है, ये मन मेरा है। ये समर्पण कर गुरु, कह कि सच्चे पातशाह जी, ये तुहाडा ही दिता होया है, तुसीं ही इसदे मालक हो। अगली गल, हुक्म मनना पएगा गुरु दा। जो गुरु महाराज कहते हैं उसनू ध्यान नाल सुन समझ, ते फिर उस दे उत्ते पैरा दे। जे तू अजिहा करेंगी तो गुरु तेरे ते त्रुटेगा। जिवें आग्याकार बच्चे दे उत्ते माँ प्यो सदा खुश रहिंदे हन, इसे ही तरह आग्याकार गुरसिख दे उत्ते गुरु महाराज सदा ही त्रुटे रहिंदे हन, सदा रहमता करदे हन। भाई लैणा जी क्यों प्रवान होए कि उन्होंने सतगुरु की आग्या नूं सत सत करके मान लिया। कदे भी तर्क नहीं किया कि आ गल मैं मननी है, आ नहीं मननी है। इस करके प्रवान हो गए। दूसरे पासे महाराज जी संतान भी सी, पुत्र भी सन। पुत्री कौल ना पालियो, पुत्रां ने गुरु की गल मनन तो ना भी कर दिती, कई बार मन की, जिस करके वो उच्ची अवस्था नहीं प्राप्त कर सके जो भाई लहणे ने प्राप्त की थी। भाई लहणे नूं गुरु नानक पातशाह ने गुरु अंगद प्राण दिता, अपनी जोत नूं उसके शरीर विच टिका दिता। इस तरह ही गुरु अमरदास पातशाह दे वेले होया। सो प्रवान कौन होया है? जिसने गुरु की आग्या नूं सत करके मान लिया है, जिसने भी तर्क किया है गुरु के हुक्म के उत्ते, आ मेरे वास्ते ठीक नहीं है, ये नहीं मैं गल मननी, वो नहीं परवान है। सो इस करके हे सतसंगी सहेलिए, पूरे गुरु दा दी आग्या मननी भी बहुत ही जरूरी है। जो गुरु कहे सोई मत मन, जिहड़ी गल कहे ये समझ लो कि इहदे च मेरा पला है। दूसरी गल अगर सखी कहती है कि मैं तो बहुत ही औकड़ा ना भरी हुई हाँ, मेरे तो तन नूं औकड़ा ने ढकिया पिया है, हुण मेरी ये हालत है, मेरे ते किवें गुरु त्रुटेगा? तो दूसरी सखी कहती है कि देख सतगुरु मेहरबान है,
ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਰੁੱਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਗਲਾਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਗੜਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਗੜਵੀ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁੱਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਸਖੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ ਚੌਕੀ ਚੌਕੀਆਂ ਰਖਵਾਰੇ। ਚੌਕੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਰਾ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਉਸਦੇ ਤਨ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਸੋਚਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਰੂਪ ਦੇ ਗਲਤ ਸੁਰੇਸ਼ਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਮਸਤਕ ਰੱਖਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਹਸਤ ਕਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਗੋਪਾਲ ਸੁਆਮੀ, ਤਨ ਚੜ੍ਹਨ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਲਵਾ ਵਾਲ ਲਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਧਿਆਇਆ। ਹੇ ਸਖੀਏ, ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਅਰਾਧੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਹਰ
याद करो ना, जो याद ही नहीं कर याद ही तुसी संसारी लोगों को करोगे क्यों मेरी बांह फड़ेगा, वो मेरे मदद करेगा, फिर संसारी लोग तो खुदगा जहां जे तो उन्होंने कोई स्वार्थ है तो आवगे तुहाडे लागे बांह फड़नगे, जे स्वार्थ कोई नहीं तो वो सारे पास हट जाएंगे। पर गुरु इस तरह नहीं करता, और गुरु ने एक बारी बांह फड़ ली फिर छकेगा भी नहीं, संसारी लोग तो छड़ देंगे। सो गुरु ने कहा कि उसकी याद में जुड़, गुरु उत्थे है जिथे उसकी याद में कोई जुड़िया है, शब्द के राही आप याद जुड़ते हैं, जिवें जिवें शब्द के साडा मन उतरता जाता है ना, जिवें जिवें गुरु शब्द रूपी सागर में ये मन डुबकियां लाता है, तेवें तेवें इस नूं ठंड पैंदी है, आनंद आता है, इसके अवगुण धोई दे जांदे हैं, निर्मल हो जाता है, तो निर्मल मन जिहड़ा है उत्थे वाहिगुरु हर हर वेले ही हाजर है। इंज कह लो महाराज ने कहा मन तो जोत स्वरूप है, मन ही वाहिगुरु का रूप बन जाता है। देखो मन ही संसारी सी, मन ही वाहिगुरु का रूप बन गया। ब्रह्म ज्ञानी नूं आप परमेश्वर कहा है महाराज ने, आप परमेश्वर किवें है, शरीर तो उसका संसारी लोगों वर्गा ही है, शरीर तो पंजा तत्तों का बनया हो जाइए, पर उसने मन की अवस्था अजि बन गई है कि वह वाहिगुरु परमेश्वर वाले सारे ही गुणों से वस गए हैं, इस करके वो जोत स्वरूप हो गया है, वह रूप हो गया, अजि अवस्था पहुंचे हुए गुरसिख में ही ब्रह्म ज्ञानी क्या है, वो अभेद है वाहिगुरु के नाल, सिर्फ शरीर का फर्क है, बाकी सारे गुणों से वही कुछ करता है जो परमेश्वर करता है। हे सखिए जिसने भी उस वाहेगुरु नूं बेअंत बेअंत कह के ध्याया, पाप तो बड़ा ही बेअंत है सच्चे पातशाह, गम गुजरा तेरा अंत ना पाया, अंत ना पाया किने तेरा अपना आप तू जाना है, सच्चे पातशाह कितना तो बड़ा है तू ही जानता है, असि अलपग जीव तेरी मृत नहीं जान सकते, तेरा अंत नहीं पा सकते, तेरिया सिफतों का कोई अंत नहीं है, तेरे किते हुए का कोई अंत नहीं है, तेरे कहने का कोई अंत नहीं है, तेरे बोलन का कोई अंत नहीं है, तुम बेअंत ही बेअंत है। दुत्तरे संसार सतगुरु त्रै, जिसने वाहेगुरु नूं वड्डा जान के उसकी याद में जुड़ गया। देखो गुरु की बाणी नूं पढ़ना, कीर्तन करना, कथा करनी, वाहिगुरु गुरमंत्र का जाप करना, मूल मंत्र का जाप करना, यह सारा कुछ ही सिमरन है, सेवा करनी यह भी सिमरन है। जदों आप तैयार होकर घरों गुरु वाल चल पैंदे हाँ, सिमरन उतों ही शुरू हो जाता है, ध्यान कित्थे है साडा, छेती गुरु के कोल पहुंची है, बस ध्यान है ना, पहला संसार वाल सी ते गुरु ने मोड़ के खिच ऐसी पैदा की अपने वाल खिंच लिया, और आप पिछे सुन रहे सी कि तुसी एक कदम गुरु वाल पुटो, गुरु तुहाडे वल सैकड़े कदम पुटेगा। और जिवें मां बाप बाहर गए बच्चे नूं उड़ीकदे रहिंदे हन, जदों असीं दूर हो जांदे हां गुरु दे कोलों, गुरु उड़ीकदा रहिंदा है कि हुण वी आएगा, हुण वी आएगा, हुण वी आएगा, गुरु सदा उड़ीकदा है। और जदों गुरसिख गुरु के कोल आ जाता है, गुरु भी उस तरह खुश होता है जिवें माँ प्यो खुश,
गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव ही माँ है, गुरुदेव ही प्यो है, गुरु दसवा माँ प्यो का महाराज से है। गुरु ने कृपा की थी ये दुत्तर संसार, दुत्तर का अर्थ है कठिन, जिस विच पार लगना बहुत ही औखा है। पार संसारी जीवन को सौखा नहीं है। जदों बच्चा होश संभालता है पहला तो देखो उसने जो पढ़ने पाईदा है किनिया वो अड़ियां करता है, इहदा नहीं मैं नहीं जाता, फड़ फड़ के बड़ी मुश्किल दे नाल तरह दा लालच दे के फिर उसनों उधर भेजीदा है, फिर पढ़ाई करदिया हुआ किन्ना औखा है उसनों, हाए फेल ना हो जावा, हाए मेरे ना आ ना हो जाए, हर वेले ही यही चिंता। फिर अगे जवान होया हुण मेरा कोई रुजगार का साधन बने, मैं पढ़ाई कर ली है, रुजगार का साधन नहीं मेरा बनता, फिर तो सोचा फिर चिंता। गृहस्थी जीवन मिल गया, गृहस्थी जीवन फिर सोचा, जे संतान ना हुई तो भी चिंता, जे हो गई तो भी चिंता। नानक दुखिया किसे पासे ध्यान मार लो। इस करके कठिन क्या है, जीवन लगाना तो सौखा नहीं है। गृहस्थी जीवन दिया फिर मुश्किल किनिया, पैर पैर देते फिर बुढ़ेपा आ गया, बुढ़ेपे होर बढ़ गए, फिर लभदा है सहारा। इस करके मारे कहते जब सौखा लगना है ना संसार दी पार पाओ, जब सौखा जीवन चाहना है, चाहता है कि मेरे जीवन कोई मुश्किल ना आवे, जीवन के हर पक्ष तो मैं अगे बढ़ा, तो फिर ये तरीका है रामैया के गुण चेत प्राणी कमन बोलते कम शिका, जिन तू सास स्वास शिकाया गर्भ घर में जिने बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जुगन भोजन सूद बिरत पाया वो प्रसाद मुख प्याओ। देख सही तू याद कर, तेरे वास्ते सब कुछ ही कर रहा है, सारा प्रबंध करेगा, पर मुश्किल उत्थे आती है, दुत्तर उस वास्ते है जिहड़ा उसनूं भुल जांदा है, जिहड़ा उहदी याद विच जुड़िया रहिंदा है, जिहड़ा उहदे कीते नूं भुलाउंदा नहीं है, जिहड़ा ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਤੂੰ ਹੀ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਿਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਕਨੇਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਮਿਲਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਮਾਰੇ ਸੁੱਖ ਰੱਖਿਓ, ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਓ, ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਓ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਸਰਾ ਲੈ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਗਏ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰੋ ਆਹ ਕਰੋ ਆਹ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਮਨ ਜਪ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਪ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ
जहाँ पर नान वापस बड़े सब मिले हैं, जिंदगी दहा सब मिले हैं, जहाँ को दया करो फिर स्वामी कहो नान ना ही तेरे कामी, गुरु खुश कर लो तुम किसी गल की कमी आवेगी नहीं, जाका मीत साजना है समिया इस जन को कहो कर तुम बना लो मित्र गुरु मालिक तुम बनाओ मेनू मित्र तू कमी नहीं आवे कभी चिर मुला थड़ी दो जिचर आप कृपा शब्द अखुट बाबा नानका खाए खर्चा मान जिन्ना मर्जी खर्च चंगे कमाने अपने वास्ते कर परिवार वास्ते कर कभी जिंदगी की कमी नहीं आती है। पर कर कुछ वो करना की है सिमरन, हर सिमरन में आप नरकार वाहेगुरु हर सिमरन कर भगत प्रगट आए, जिन्हें भगत प्रगट हो सिमरन करके हो गल बात नहीं हो ये नहीं कोई जनरल चलेगा तो महात्मा बन गया सिमरन किया सो तू ही कर ला तू ही उन्हें शामिल हो जाएगा मिटिया आवा गौण जा पूरा पाया पूरे गुरु ने जिस दे कृपा की उसनू वाहेगुरु परमेश्वर प्राप्त हो गया। असल वाहेगुरु परमेश्वर कोई वखरा नहीं रह जाता जब गुरु ही हृदय प्रकट हो जाता तो गुरु ही परमेश्वर है पार ब्रह्म गुरु ना ही भेद गुरु ते पार ब्रह्म परमेश्वर कोई भेद नहीं है गुर गोबिंद गोबिंद गुरु है नानक भेद ना पाए गुरु ही रब है रब गुरु है ना फर्क समझो कि गुरु ने मैनू रब ना बनाना है असल जो गुरु ही शब्द रूप तेरे हृदय च वस जाएगा ना तो यही रब का मिलाप है तू हर वे शब्द ना जुड़ रब तेरे ना हर वे तेरे को है। सो मारे कहते कि की होया आवा गौण ही मिट गया जन्म मरना चक्कर ही मिट गया अभेदता हो गई जो केवल एको ही खास रह जाए जिस तरह इस शब्द सारा समझाया है कहते मेरे तो एको ही खास है कि मैं वाहेगुरु परमेश्वर पति मिल जाए मेरे हृदय रूपी सेजा ते आ जाए मैनू प्यार करे यही तरला है ना सारे शब्द आ गया हाजिर हो गया आप सहाई हुआ सच्चे का सच्चा आप आ गया जो आप आ जाए जो भेद हो जाता उसके वास्ते आवा असल जमदे मरते मरते क्यों है ना ये जमन मरना क्यों चली जाता है क्योंकि अखीरले समय तक बंदे दाशा पूरी नहीं होंगे उस दिया बहुत सारिया खाशा अधूरिया रह जाने वो खाशा विचे ही लैके अंदर ही मन के अंदर ही लैके मर जाता है वो खाशा पूरी करने वास्ते तेजा पहला इदा जमन मन चलता है जो गुरु की शरण पै गया महाराज कहते आस अनित त्यागो तरंग संत जना की दूर मन मंग तू शक आस दुनियावी आशाओं के आले पास ध्यान मोड़ना तू आस रख एक आस रख तरजी अरे एक खेल तो लाहे मटानी आस तू सुखी हो तेरे नाल दे सारे आपे सुखी हो जाएंगे जो तू ही दुखी है तो तेरे नाल दे सारे दुखी हैं फिर की कर आ देख ला बगानी और दूजिया आसा छड़ दे नानक नाम ते है ही है कार्ज कार्ज कहड़ा मिलने वाला एक हाथ अंदर प्रकट हो जाए हर हाँ अमृत हर का नाम सतगुर ने पाया और गल स्पष्ट हो गई हे सखिए गुरु ने अमृत नाम बख्श दिता नाम अमृत है इन पीना है अमृत पीवी का है अमृत नाम निदान है
मेरे पीवो पाई जे मिड़के पीए तो और ना दे आ मिड़के पी रहे हैं जदों जिन्ना गल्लां विच मुड़ मुड़ के नाम दिया नाम वल ध्यान जावे ये भी नाम है तुसी सारा दिन लगे रहो वाहिगुरु वाहिगुरु राम राम करी जाओ इदा नहीं ध्यान ले जाना है उस वल ते नाल नाल नेक काम करने चंगे काम करने अपनी सुरती नूं सावधान रखना है सावधान जदों भी साडे मन च कोई किसी का बुरा करन दा ख्याल आवे जां माड़ा ख्याल आवे किसी के प्रति भी उस वेले अपने आप नूं सावधान कर लेना है ओह की हो गया इस नूं फिर लांता पाउणी है इसे मन नूं कि तू सोचिया की है इहो जी गल तेरे अंदर आई ही क्यों मन दा सोचना भी माड़ा है मन दा करना तो माड़ा है ना मन दा सोचना भी माड़ा है मारे कहिंदे नर अचेत पाप ते करे अचेत पाप पाप सोचना माड़ा सोचना भी पाप है माड़ा करना पाप है माड़ा सोचना भी पाप है छड़ इहदा खेड़ा किवें छड़ांगे जो गुरु तरफेगा अमृत नाम बख्श देगा सानू मुड़ मुड़ के इस पासे ध्यान आएगा शब्द हाजिर रहेगा सतगुरु जी कृपा कर जो पावन उपदेश इस श्लोक दे राही आपां सरवण दा सके देख रहे से उन्हां चुका दी कृपा कर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी